Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you all i hope so you all are fine and doing well inshallah so welcome back to Mahin's official एंड टडे इन दिस वीडियो आई एम श्योरिंग अ टोरियल अबाउट आइज़ मेकअप सो आइज़ मेकअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है हमारे पूरे मेकअप में नंबर uh, फर्स्ट पर मैं जो चीज़ मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है आपके पूरा फेस जो आपका पूरा फेस जो होता है उसकी क्लिनजिंग सो क्लेंजिंग स्टेप इज़ मोर इंपॉर्टेंट अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी क्लिनजिंग कर लें अपने आइस जो बर्फ़ होती है उसको ज़रा फेस पर आप अगर किसी मलमल के कपड़े में जो है डाल के देन उसको फेस पर लगाए डायरेक्ट फेस पर नहीं लगानी या फिर ठंडा पानी जो 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 ठीक ठीक है है है, है बर्फ ठंडे पानी से, Then आप मेकअप स्टार्ट करेंगे, अच्छा ये 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 आइस वाला वाला टोटका जो रेमेडी मैं आपको बता रही सिर्फ के 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 लिए लिए, लिए लिए होती कुछ कुछ वक्त 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 तो हर वक्त के लिए नहीं, यानी रिएक्शन होगा नंबर uh, टू पे आ जाते हैं मेकअप पर उसके बाद बेस और बेस के बाद होती है आईज़ मेकअप आईज़ मेकअप में आज मैंने जो ऑरेंज सा कलर अपनी किस रोज़ की पैलेट में से लिया है पैलेट मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको कलर्स पसंद आए तो आप ये पैलेट जो है वो खरीद सकते हैं मैंने द्रास डॉट कॉम से मंगवाई थी आप चाहें तो आप मार्केट में भी मिस रोज की पैलेट जो है वो ले सकते हैं Uh, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो मैंने बनाए हैं पीछे उनमें मैंने इस पैलेट को दिखाया भी है आप जाएं मेरे चैनल को व्यू करें सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे जाके विजिट करें तो आपको जरूर पता लगेगा कि ये किस तरह की कौन सी पैलेट है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पिंक शेड जो है वो अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर पहले क्रीज लाइन के ऊपर ऑरेंज कलर लगाया देन उस ऑरेंज कलर को मैं नीचे अपनी लोअर लैश लाइन पर लेके गई हूँ और फिर मैंने उसी कलर से जो है अपना पिंक सा एक शेड जो है उसको यूज़ करते हुए उसको अपना आउटर कॉर्नर भी बना लिया है और अपना लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया अच्छा बहुत अच्छी सी एक

जो तमाम मेकअप है मैं कर रही हूँ लेके उसको मैंने अच्छे से जो है अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर अगेन जो है वो अप्लाई करते हुए इसके बाद जो मैं कलर लूँगी वो गोल्डन सा कलर होगा गोल्डन ऑरेंज सा कलर है ठीक है इस कलर को अप्लाई करेंगे हम अपनी आईलिड के ऊपर आईलेड के दरमियान से मैं जो है वो मैं लगाते लगाते पीछे की तरफ ले गई हूँ और पीछे की तरफ आउटर कॉर्नर की तरफ जो है मैं से फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ देखिए ब्रशेज़ की हर जगह पर जरूरत नहीं होती जहाँ पर ब्रशेज अच्छी ब्लैंडिंग करते हैं वहाँ हम ब्रशेज़ को भी यूज़ करते हैं जहाँ फिंगर से काम हो सकता है वहाँ हम फिंगर भी यूज़ कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं नहीं है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो भी फिंगर से काम करते हैं वाजिद खान का नाम सुना होगा अपना काशिज है वो भी तो ये जो बहुत बड़े बड़े सलोन हैं उनमें ही काम हो जाता है इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है आप भी फिंगर यूज कर सकते हैं मैंने जो है फिंगर से करना कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ अब मैंने इससे थोड़ा लाइटर टोन का जो है वो कॉपर सा कलर लेके उससे पूरी लिड के ऊपर अप्लाई किया है और अच्छे से जो है मैं इस कलर को बिठा दूंगी अपनी आईलेट के ऊपर जब ये कलर अच्छे से मेरी आई शिमरी सा शेड है ये जब आई के ऊपर बैठ जाएगा तो मैं ब्लैक सा कलर लेके उसे अपना आउटर कॉर्नर जो दोबारा बनाऊंगी और अपने ऊपर वाली क्रीज लाइन को ऑरेंज कलर से दोबारा से जो है उसको मैं क्या कहते हैं उसको मैं दोबारा से जो है वो फ्रेश कर लूंगी ठीक है फ्रेश करने के बाद अब मैं ब्लैक सा कलर ले रही हूँ ब्लैक कलर को मैं आउटर कॉर्नर की तरफ लगाते लगाते जो है अपने आउटर कॉर्नर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपर लाइन की तरफ जाऊंगी देन नीचे की तरफ आऊंगी यानी दोनों तरफ जो है मैंने हल्की हल्की सी ब्राउन सा देखें शेड बन गया है क्योंकि जब ऑरेंज और थोड़ थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा कलर मिलता है तो एक ब्राउन सा लाइट ब्राउन सा जो है आपके पास शेड बनता है उस शेड की जो है मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आउटर कॉर्नर पर ब्लैंडिंग की है ब्लैंडिंग करने के बाद जो है मैंने नीचे जो सारा कलर गिरा है इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना घबराना नहीं है ये कलर बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाएगा बिल्कुल आपके सामने साफ़ करूंगी कट नहीं करने वाली वीडियो में से आपके सामने सब कुछ करूंगी ये बड़ा सारा ब्रश देख रहे हैं इससे आप ब्रशंग लगाते हैं इससे आप इजीली जो है आराम से नीचे से सारा डस्ट ऑफ कर दें सारा कलर जो है उसको डस्ट आउट कर दिया और इसके बाद जो है अभी भी हल्का हल्का सा रह गया ना तो इस स्पॉट का जो हल्का हल्का सा स्पॉट रह गया इसको मैं अपने कोई सा भी जो है अपना कंसीलर लूंगी या अपनी बेस जो मैंने अप्लाई की थी उसको लेके उससे फिंगर डैप डैप करते हुए जो है क्लीन कर लूंगी नीचे वाला सारा एरिया जो है वो मैं अपना इस जो है वो कंसीलर um, से या इस बेस से जो है वो क्लीन कर लूंगी ठीक है बिल्कुल परेशानी की बात नहीं अक्सर लोग घबरा जाते जाते हैं डर जाते हैं डर कि हमारा कलर गिर, गिर गया अब हम दोबारा क्या करें तो कोई मसला नहीं है आप उसे गिरने से जो गिर क्लीन कर लें और देन जो आप दोबारा से वहां पर अपनी बेस अप्लाई कर लें या कंसीलर जो आप अपलाई करें वो अप्लाई कर लें ठीक है देखिए मैंने आपके सामने किया है बिल्कुल भी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है या आपके सामने करने का मकसद यही है कि आप लोग जो अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं आप बिल्कुल ना हुआ करें आराम से मेकअप करें मेकअप तो खेल लेंगे जिसके साथ जितना खेलेंगे उतना खूबसूरती के साथ जो है ये आपका जो हाथ का जो है वो एक्सपर्टी आपके हाथ में आएगी अब मैंने एक ब्राउन सा एक कलर लिया और उसके उसी से जो हल्का हल्का नीचे लोयर लैश लाइन की तरफ भी लेके आ रही हूँ अच्छा दूसरी आंख फिर जो थोड़ी सी नजर आ रही है उससे डरना नहीं है आपने तो यहाँ पर जो है अगेन मैंने यहाँ पर ब्राउन सा जो शेड है उसको लगाने के बाद जो है मैंने वाइट कलर की जो पेंसिल है वाइट पेंसिल वो मैंने लेके अपनी आंख के अंदर जो है वो लगानी है एक और चीज़ बता दूँ वाइट पेंसिल नहीं है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अपना या वाइट शेड भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है कोई भी परेशानी की बात नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं तो मेकअप कैसे होगा बिल्कुल भी घबराना नहीं है आप लोगों ने अपने तरीके से मेरा काम है आपको सिर्फ टेक्निक बताना कलर कॉम्बो बताना यानी कलर का कॉम्बिनेशन बताना उसको कैसे अप्लाई करेंगे किस तरह से आप खूबसूरत दिखा सकते हैं मुझसे खूबसूरत मेकअप करने वाले इस दुनिया में है जी आप लोग मुझसे भी खूबसूरत मेकअप कर सकते हैं मुझसे भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं अपनी मेकअप करके स्क्रीन शॉट जो हैं पिक्चर्स वो मुझे जरूर आप दिखाया करें मुझे आप भेज सकते हैं मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है नीचे शेयर कर दूंगी आप लोगों को कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की परेशानी हो मेकअप करते हुए आप लोगों को कोई भी मेकअप करते हुए प्रॉब्लम हो या आप मेकअप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी मैं इनशाला दूंगी आप लोगों को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है छोटी छोटी जो टिप्स हैं मैं इनशाला आपको सिखा दू और बिल्कुल फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है कोई चार्जेस नहीं होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आप लोगों को ये चीज जो है थोड़ी थोड़ी सिखा दूंगी बेसिक जो चीजें होती हैं, फिर इंशाल्लाह इनशाला मेकअप पे खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने लाइनर लगाना है लाइनर लगाने का आज बहुत खूबसूरत सा जो है एक लाइनर लगेगा जिससे आंख जो है वो लंबी लगती है बहुत प्यारी लगती है जिनकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हैं आप लोग उस आंख के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनकी छोटी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं छोटे लोगों को इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उनकी आंख ऑलरेडी छोटी होती है तो जब हम उसको लंबा लाइनर लगाते हैं तो वो और पतली पतली लगने लग जाती है तो आंख खोलने के लिए पूरी आंख के ऊपर लाइनर लगाएं और कॉर्नर जो है वो आई कॉर्नर जो आप बना रहे हैं उसको कम निकाले अब ये हमारी आंख रेडी हो चुकी है जी कैसा लगा आपको आज मेरा ट्यूटोरियल जरूर बताएं, शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना तो बहुत सारा ख्याल रखें में याद रखें